पल्लवी लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर, और आम आदमी पार्टी के दफ्तर में ही अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बीच अरविंद केजरीवाल ने यह बड़ा ऐलान किया है। पल्लवी, दो दिन बाद केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे, सवाल यही, कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, और जिस तरीके से मेरे सहयोगी ने भी कहा कि देखिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को यह आभास होने लगा था कि जिस तरीके से इस घोटाले को लेकर के डंट पड़ा है, उससे आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को जो है वो नुकसान झेलना पड़ सकता है। और यही वजह है कि देखिए हम इस बात का जिक्र लगातार करते भी रहे हैं कि जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे तो क्या कहेंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं उनके दिमाग में पूरी स्ट्रैटेजी तैयार हो चुकी थी कि किस तरीके से आने वाले चुनाव को देखना है, और ऐसे में दिल्ली का चुनाव चूंकि अब 4-5 महीनों के अंदर होगा, तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए दिल्ली की जनता के नब्ज को उन्होंने एक तरीके से टटोला है, और साथ ही साथ हिट भी किया है कि अगर आपको लगता है कि मैं बेगुनाह हूं, मैं बेकसूर हूं, तो आप मुझे इस गद्दी पे बिठाइए, वरना मैं दो दिन के भीतर जो है मैं इस्तीफा दे रहा हूं। और जाहिर तौर पर आपने सवाल ये पूछा कि अब आने वाले टाइम में सीएम कौन होगा, तो ये एक बड़ा सवाल है। देखिए जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि मनीष सिसोदिया से बात करेंगे और तमाम कई और चेहरे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इस वक्त अरविंद केजरीवाल या फिर जो बड़े नाम हैं उनके हाथ बंधे हुए हैं। क्यों? क्योंकि कोर्ट से उनको जमानत मिली है और कोर्ट ने कहा है कि आप सरकारी काम में आप भागीदारी नहीं ले सकते, और जहां आप भागीदारी नहीं ले सकते तो जाहिर तौर पर जब आप चुनाव में जाएंगे तो जनता आपसे पूछेगी कि भाई आपने ऐसा काम क्यों नहीं किया, क्योंकि उस वक्त ये नहीं समझा जाएगा कि आपको इस वक्त कानूनी तौर पर और भी बाकी प्रक्रियाओं के तहत आपको रोका जा रहा है। तो इसीलिए इन्होंने ये जो है फैसला लिया है। लेकिन मैं कार्यकर्ताओं से बात करना चाहूंगी यहाँ पर, मकसूद कार्यकर्ता क्या सोचते हैं, कार्यकर्ताओं का मनोबल जिस तरीके से उनके बाहर आने के बाद बढ़ा था, आज जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है कि दो दिन बाद इस्तीफा दे देंगे, आप लोग इस पे पक्ष में हैं या फिर आप लोगों को लगता है ये जो फैसला वो ले रहे हैं वो गलत है? दिल्ली की जो जनता है वो केजरीवाल जी पर पूर्ण विश्वास करती है, और जैसे देश में लोग ऊपर वाले के ऊपर आस्था रखते हैं, दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल पर उतना ही विश्वास करते हैं, उतनी आस्था रखते हैं, और इससे उनसे अच्छा फैसला कोई नहीं ले सकता। दिल्ली के विकास के लिए उन्होंने जो भी कदम उठाया है वो बहुत अच्छा फैसला। अच्छा, जब वो कह रहे हैं कि दो दिन बाद वो इस्तीफा दे देंगे, चुनाव होगा उसके बाद अगर जनता उनको प्यार देती है तो सीएम बनेंगे, लेकिन फिलहाल अगर सीएम के तौर पर चेहरा कोई हो तो वो कौन होना चाहिए, आप बताओ? जो भी होगा ये तो विधायक दल की बैठक होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी और वरिष्ठ आप कार्यकर्ता हैं, केजरीवाल जी के बाद किसका चेहरा लगता है आपको? देखिए जिसको विधायक दल चुनेगा, जिसको राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी चुनेंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा। ये आपको दुख है इस तरीके से उन्होंने कहा कि दो दिन बाद इस्तीफा देंगे? मुझे तो नाम सुनते माने तो मेरी जमीन निकल गई, मेरे आंसू आ गए। ऐसा हमें 75 सालों में सीएम आज तक नहीं मिला, जब से इन्होंने नाम लिया 2 साल मेरे इस्तीफा, मेरे आंसू आ गए। ऐसा हमें सीएम साहब कभी जिंदगी में कभी मिल सकता है, न कभी मिले। या पल्लवी बने रहेगा हमारे साथ, तमाम कार्यकर्ताओं की भावनाओं को भी हम सुनेंगे, वो क्या कह रहे हैं, किसे वो देखना चाह रहे हैं सीएम के तौर पर। पल्लवी देखें, अरविंद केजरीवाल जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, जिस तरह से वो लगते हैं, उसी तरह का कुछ गेटअप लिए हुए ये शख्स आपके साथ नजर आ रहे हैं, जरा बात कीजिए। बिल्कुल, देखिए कार्यकर्ताओं के बीच में लगातार बात कर रही थी और इसी बीच में मुझे ये दिखे, अगर दूर से कोई देखे तो लगे तो ऐसा दूर से कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही है, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूंगी, आपने ये जो गेटअप धर रखा है, कितना प्यार है अरविंद केजरीवाल जी से? अरविंद केजरीवाल जी से दिल्ली की पूरी जनता और देश की जनता बहुत प्यार करती है, बहुत मोहब्बत। अच्छा, ये मुझे बताइए, ये गेटअप आपने अरविंद केजरीवाल को देख के बनाए या पहले से आपका ऐसा है? नहीं, गेटअप तो जो है मेरा ऐसे ही है, मैं 51 ईयर ओल्ड मैं हो गया हूँ, 51 साल की उम्र हो गई है, 52 साल में चल रहा हूँ, और गेटअप तो ऐसे ही है। तो आपको कभी कभी धोखे से कहीं अरविंद केजरीवाल तो लोग नहीं समझ लेते? बहुत लोग जो है अरविंद केजरीवाल जी मेरे को बोलते हैं कि आप अरविंद केजरीवाल जी जैसे लगते हैं। तो आज पूछा आपसे किसी ने धोखे से कि दो दिन के बाद इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? जी बिल्कुल, जो है लोग यहाँ पे हैं और मैं लोगों से बात कर रहा हूँ। लगातार और कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे, लेकिन